उपखंड कार्यालय में एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता के विषय में एक मांग की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण और सीनियर लोग यहाँ उपस्थित हैं और जानते हैं क्या एक ये विषय है। देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है कि हनुमानगढ़ जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण, जो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है, उसमें 2016 से अध्यक्ष का पद रिक्त है, सदस्य का पद भी 2021 से रिक्त है, महिला सदस्य का पद अगले माह रिक्त होने वाला है। लगभग 2000 के करीब मुकदमे हैं जो लगभग 2016 से न्याय के लिए तरस रहे हैं। इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग 21 लाख उपभोक्ता हैं जिनके अधिकारों के संरक्षण का यह विषय है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो राज्य सरकारों द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी का मामला है, क्योंकि इसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें सरकार बार बार तारीख लेती है और कहती है कि आगामी तारीख पेशी से पहले नियुक्ति हो जाएगी, वैकेंसीज निकालती है लेकिन वो नियुक्ति नहीं हो पाती। दूसरा मुद्दा, जो हनुमानगढ़ जिले के चाहे वो कांग्रेस के हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उनके अगुआ नेता या जनप्रतिनिधियों की विफलता का मामला है। और ये आप अनुमान लगाइए कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, और 21 लाख उपभोक्ता जो उन्हीं के मतदाता हैं, वो उनके मुद्दों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। ये मुद्दा उनके लिए अहम नहीं है कि इस हनुमानगढ़ जिले के उपभोक्ताओं को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता ने इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई हो। तो ये दोनों मुद्दों पर अनदेखी का विषय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे ज्ञापन के आधार पर हमारे राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने समय समय पर शिविर में अधिकारियों की नियुक्ति की है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सकता। न्याय मिलने के लिए स्थायी अध्यक्ष और पूर्ण कोडम होना जरूरी है। जो ये आपने आज ज्ञापन दिया है, इसकी अगर सुनवाई नहीं होती तो आपके आगे के स्टेप्स क्या रहेंगे? हम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। PIL हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन फिर भी यदि सरकार उसकी अनदेखी कर रही है तो हम एक लंबी निर्णायक लड़ाई लड़ने की योजना लेकर आए हैं। उस योजना के तहत पहले चरण के अंदर इस बार जो हम 1998 से लगातार राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन कर रहे हैं, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है, हम किसी भी सरकार की सहभागिता के साथ ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और बल्कि उस दिन इस हनुमानगढ़ जिले के जितने अगवा लोग हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, राज्य विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अध्यक्ष जो हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उसके अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारे उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगरिया से हनुमानगढ़ तक पैदल मार्च करेंगे और यही बात जाकर वहां जिला कलेक्टर के माध्यम से इन सभी को कहेंगे। ठीक है। किस तरीके से उपभोक्ता का विषय महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इस महत्वपूर्ण एक बड़ी जनसंख्या जो उपभोक्ता के रूप में है उसकी अनदेखी हो रही है? उपभोक्ता संरक्षण समिति उपभोक्ताओं के लिए लंबे समय से निशुल्क विधिक सहायता शिविर सहायता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निशुल्क उनके समस्याओं संबंधित राहत दिलाती है। नोटिस देकर के और तत्पश्चात नोटिस से भी कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ, लेकिन लंबे समय से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उपभोक्ताओं को, पूरे हनुमानगढ़ जिले के उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। और क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण समिति लगातार हित में काम कर रही है उपभोक्ताओं के और यह एक छलावा है, इसलिए हम अपना आज का ये कार्यक्रम सर्वप्रथम माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दे करके और तत्पश्चात माननीय जिला कलेक्टर के
यहाँ संग्रह से जिला कलेक्टर महोदय तक पैदल यात्रा का कार्यक्रम करके और तत्पश्चात आगे के कार्यक्रम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए करेंगे। मेरे साथ हैं ओम प्रकाश आर्या जी, जो सीनियर एडवोकेट रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर ये मुखरता के साथ अपने विचार देते रहे। किस तरीके की आपके माध्यम से सलाह रहेगी सरकार को, अधिकारियों को, कि उपभोक्ता मामलों की जो गंभीरता है उसको समझे? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहा जाता है कि अगर न्याय समय पर नहीं मिलता है तो वो न्याय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता लोगों में नहीं है। इसमें केवल वकील साथी भी सब शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आप वकील सब जो कि एक अदालत में अपीयर होते हैं तो वो भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए, वकीलों को भी। ठीक, लेकिन इसमें देखा ये दे रहा है कि वकील लोग बहुत कम इंटरेस्टेड हैं, इसको कुछ और मान के उसको टाल देते हैं। जिस तरीके से गंभीर विषय है उस गंभीरता के साथ बात उठ नहीं रही। हाँ, जिस गंभीरता के साथ बात उठनी चाहिए उठ नहीं रही। और दूसरी बात ये है कि पार्टिसिपेशन यहाँ के लोगों का होना चाहिए, उपभोक्ताओं का ज़्यादा होना चाहिए। अब जो 2000 फाइलें अगर हैं अपने एरिए की तो वो 2000 लोगों की हैं, अगर वो भी साथ आते तो और ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद होती और ज़्यादा प्रेशर पड़ता अधिकारियों पर। और अगर कोई लेने देने की बात है, सिफारिश की बात है, तो गवर्नमेंट चाहे जिसको अपॉइंट करे लेकिन करे तो सही, तो उससे कम से कम लोगों को रिलीफ तो मिलेगी। सेकंड चीज़ है वो तो रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अदालत में सुनवाई की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर ये नुक्तियाँ होती हैं तो एक सुनवाई का एक प्रोसेस चल जाएगा। फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल का ये कि अगर मेरे साथ कोई जाती हो रही है या मैं कहीं आहत हुआ हूँ तो मुझे मौका मिले ताकि अदालत में या जो प्रॉपर स्टेज है, फोरम है, उसमें मेरी सुनवाई हो। ठीक जी, ठीक। हाँ जी रामलाल जी, उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया लगातार उपभोक्ता के मामलों को उठाती रही है, किस तरीके की दिक्कतें तकलीफें आपको सामना करना पड़ रहा है प्रशासन की तरफ से अनदेखी की और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से? स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण समिति लंबे समय से उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम कर रही है और व्यक्तिगत संपर्क कर उनके जो भी इस तरह की समस्याएं होती है स्थानीय स्तर पर निस्तारण का प्रयास किया जाता है। नियमानुसार यहाँ निस्तारण नहीं होता, उनके फाइल तैयार करके जिला उपभोक्ता कार्यालय में ले जाई जाती है, तो वहाँ को जिला अध्यक्ष से लेकर के मेंबरों तक के पद खाली हैं, तो वहाँ फाइल जा करके वहाँ रुक जाती है और न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ पेंडेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम जो यहाँ प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आने से लोगों में भी ये थोड़ा सा अविश्वास पैदा हो रहा है कि हमें इससे न्याय मिलने में संशय है, तो हम इसी उद्देश्य लिए आज यहाँ इकट्ठे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये आज अंक मुख्य मुख्य जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और उपभोक्ता की हितों की बात उठा रहे हैं और आगे एक्शन की बात कर रहे हैं। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई।